हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल जीबीबी में स्वागत है। दोस्तों, आज से हम करंट अफेयर्स पे एक नई वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरे वीक के करंट अफेयर्स में से हमारे अकॉर्डिंग जो बेस्ट करंट अफेयर्स होंगे उसे हम डिटेल में आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आपको न्यूज़ के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और इस तरह आपको करंट अफेयर्स याद रखने में आसानी होगी। इसके अलावा जो लोग नॉलेज के लिए वीडियोज़ देखते हैं उन्हें भी ये वीडियोज़ हेल्प करेंगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मोनपा हैंडमेड पेपर के बारे में जानेंगे। तो मोनपा जो हैंडमेड पेपर थे, यह इसका बनाने का आर्ट अरुणाचल प्रदेश के तवांग एरिया में लगभग 1000 साल पहले शुरू हुआ। धीरे धीरे ये वहाँ के लोकल कस्टम और कल्चर का पार्ट बन गया और इन पेपर्स का यूज़ वहाँ पे जो मोनेस्ट्रीज हैं और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स वगैरह है उसको लिखने में यूज़ होता था। उस टाइम यह मोनपा हैंडमेड पेपर लगभग हर घर में यूज़ होते थे और लोग इसको बना के अपनी आजीविका कमाते थे। परंतु लगभग 100 साल पहले यह हैंडमेड पेपर इंडस्ट्री पूरी तरह से डिसअपियर होने की कगार पे आ गई। तो थोड़ा मोनपा हैंडमेड पेपर के बारे में जानते हैं कि यह कैसे बनता है। इसे लोकल भाषा में वहाँ पे लोग मोनशुगु भी बोलते हैं और यह एक पेड़ की छाल से बनता है, जिस पेड़ का नाम है शुगु शेंग, जिस पेड़ की मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो क्योंकि यह ख़त्म होने के कगार पे पहुंच गया, इसलिए खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC जो है, इसने इसे रिवाइव करने के लिए इनिशिएटिव ले लिया है। और अब हम थोड़ा KVIC के बारे में जानते हैं। तो KVIC एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है जिसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी मैंशन नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दिया गया है, बल्कि इसे बनाने के लिए पार्लियामेंट में कोई लॉ पास हुआ है। तो KVIC जो है वो 1956 में एक एक्ट के द्वारा बनी थी। तो अब आपको याद रखने लायक इस न्यूज़ में से दो तीन चीज़ें जो है, सबसे पहले हमें याद रखना है कि अगर प्रश्न आ जाए कि कौन से एरिया में अभी हाल ही में हैंडमेड पेपर बनने शुरू हुए हैं, तो उसका जवाब होगा अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि यह कब कितना पुराना आर्ट है, तो उसका जवाब होगा 1000 साल पुराना। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि यह किस पेड़ से बनता है, तो वो है शुगु शेंग। और आप फर्दर यह भी याद रख सकते हैं कि यह तवांग एरिया में ज़्यादा इसका यूज़ होता है, यह आर्ट वहाँ पे ज़्यादा है। तो अच्छा, एक और प्रश्न जो हमें पता होना चाहिए वह है कि KVIC यानी कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, ये किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो इसका सही जवाब है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो अब हम कोशिश करेंगे कि हर वीडियो में भारत की किसी न किसी स्टेट के बारे में आपको कुछ जानकारी दें। तो आप मैप में ये देखिए कि यह हमारा अरुणाचल प्रदेश है और ये राजधानी ईटानगर और इसी के पास यहाँ पे यह है तवांग एरिया। नेक्स्ट हमारे पास है इंडियाज फर्स्ट पॉलिनेटर पार्क ओपन्स इन उत्तराखंड। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के हल्द्वानी में बन के तैयार हो गया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉलिनेशन क्या होता है। पॉलिनेशन एक एक्ट है जो जिसमें मेल एंथर से फीमेल स्टिग्मा की तरफ पोलन का ट्रांसफर होता है। पोलन जो फूलों में हमने पाउडर्ड फॉर्म में कुछ देखा होगा वो पोलन होता है। तो इस डायग्राम में हम समझते हैं इसे, ये है फीमेल स्टिग्मा और ये है मेल एंथर। जब यहाँ से वो पोलन इस तरफ ट्रांसफर होगा तभी सीड की जनरेशन होगी और जब कोई बीज बनेगा तभी नेक्स्ट प्लांट की तैयार होगी। तो इट मीन्स कि अगर कोई प्लांट अगला बनेगा उसके लिए सीड जरूरी है और सीड के लिए पॉलिनेशन जरूरी है। और जैसे हमने अभी बताया कि पॉलिनेशन के लिए पोलन का ट्रांसफर होना जरूरी है और जो काम यह करता है, पोलन को ट्रांसफर करने का काम जो करते हैं उसे कहते हैं पॉलिनेटर्स। तो इस पार्क का काम यही होगा कि जो पॉलिनेटर स्पीसीज है उन्हें कैसे कंजर्व किया जाए और लोगों में इसके बारे में और अवेयरनेस फैलाई जाए कि पॉलिनेटर्स का क्या इंपॉर्टेंस है और उन्हें कैसे कंजर्व किया जाना चाहिए। पॉलिनेटर्स में क्या क्या है, इसमें आए बीज, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, मॉथ्स और ऐसे ही बीटल्स वगैरह, ये सारे पॉलिनेटर्स हैं। अब जैसे आजकल पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह का इतना ज़्यादा यूज़ होने के कारण इन सभी को खतरा है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ने के कारण भी इनको खतरा है। अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं रहे तो प्लांट्स की पॉपुलेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर जाएगी। फिर चाहे सॉइल जितनी मर्जी अच्छी हो, हवा कैसी भी हो, न्यूट्रिएंट्स सारे अवेलेबल हो, पर अगर पॉलिनेटर्स ही नहीं होंगे तो प्लांट्स की स्पीसीज डिक्लाइन कर जाएंगी। तो इस प्लांट में इन पॉलिनेटर्स के लिए आइडियल हैबिटेट की व्यवस्था की गई है, जैसे कि वहाँ पे उनके लिए घोंसले बना दिए गए हैं, उनके उनके लिए दाने डाले हैं, उनका पानी का इंतज़ाम किया गया है
और ऐसे ही काफी सारी चीजें वहां पे इनके लिए बनाई गई है ताकि इन पॉलिनेटर्स को यहाँ सर्वाइव करने में कोई दिक्कत ना हो और ये ग्रो कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार आर्कटिक रीजन ग्लोबल एवरेज के कंपैरिजन में बहुत ही तेज़ी से वार्म हो रहा है और ग्लोबल एवरेज से ये लगभग 2 गुने रफ्तार से वार्म हो रहा है और इसकी आइस कैप भी बहुत ही तेज़ी से श्रिंक कर रही है जिसे कि मेजर किया गया है 1980 के कंपैरिजन में और यहाँ की जो आइस आइस है वो डिक्लाइन कर गई है एज़ मतलब लगभग 75% से। तो आर्कटिक रीजन वैसे एक पोलर रीजन है तो यहाँ पे अगर ग्लोबल वार्मिंग है वार्मिंग हो रही है तो ये कंसर्न का कारण है हमारे लिए। तो वर्ल्ड वाइड फंड अपने अदर और पार्टनर्स के साथ कोशिश कर रहा है कि वहाँ की रिच बायोडाइवर्सिटी को कैसे प्रिजर्व किया जा सके। तो हम जानते हैं कि आर्कटिक रीजन में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं। तो जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं ये आर्कटिक सर्कल लिखा है तो इसमें अलास्का, कैनेडा, डेनमार्क, ये सारी कंट्रीज, रशिया ये हैं। तो ये देखिए कनाडा, फिनलैंड, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, रशिया एंड स्वीडन, यहाँ पे आप इसको और भी क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लाइट हाउस प्रोजेक्ट की नींव रखी है। तो ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट वो वैसा नहीं है जैसे आपने कभी फिल्मों में देखा होगा कि एक बड़ा सा टावर होता है, लाइट दिखा रहा होता है, वैसा कुछ नहीं है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में इनोवेशन लाने के लिए एक नया इनिशिएटिव है। तो इसके द्वारा प्रधानमंत्री और सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में नई जो इनोवेशंस हैं, नई टेक्नोलॉजीज हैं उसे लाना चाहती है। ये टेक्नोलॉजीज ऐसी होनी चाहिए जो सस्टेनेबल हो, इको फ्रेंडली हो और डिजास्टर रेजिलिएंट हो। अभी तक हम लोग सभी देखते हैं कि अगर कोई एक छोटा सा कमरा भी बनाना है तो भी उसके लिए ईंटें, सीमेंट वगैरह लगा के हम काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बनता तो है पर वो इको फ्रेंडली नहीं होता और डिजास्टर रेजिलिएंट भी अभी तक इतना ज़्यादा नहीं है। अब इसके द्वारा, नई टेक्नोलॉजीज के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन टाइम होगा वो भी कम होगा और जल्दी से कोई भी बिल्डिंग्स बन जाएंगी और वो नेचर फ्रेंडली भी होगा, मतलब कि मतलब हमारे नेचर को भी नुकसान नहीं करेगा। तो ऐसी टेक्नोलॉजीज को प्रमोट करने के लिए और नई इनोवेशंस लाने के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। सबसे पहले ये लाइट हाउस प्रोजेक्ट 6 साइट्स पे और 6 राज्यों में शुरू होगा। तो इसमें लगभग 1,000 घर हर एक साइट पे बनाए जाएंगे जिसमें कि ये सारे फिजिकल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ हों और ये 6 राज्य अभी जो हैं मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, झारखंड, त्रिपुरा एंड उत्तर प्रदेश। और एक बार ये कामयाब हो गया तो ये और जगह भी इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा और इसे रेप्लिकेट किया जाएगा। ना सिर्फ इससे घर जल्दी बनेंगे बल्कि ये इकोनॉमिकल भी होगा, मतलब पैसे भी कम खर्च होंगे और इनकी ड्यूरेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। इसके साथ साथ आप एक ये इसका नाम याद रख सकते हैं कि एक उन्होंने एक सर्टिफिकेशन कोर्स ऑन इनोवेटिव कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी, इस पर एक कोर्स भी शुरू किया जिसका नाम है नवरीत। तो इसका आप नाम याद रख सकते हैं कि नवरीत क्या है, न्यू अफोर्डेबल वैलिडेटेड रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजीज फॉर इंडियन हाउसिंग। नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी एक वन लाइन में टाइप होगा कि सत्यमेव जयते, यह स्कीम कहाँ पे शुरू की गई है। तो ये सत्यमेव जयते की है, केरला गवर्नमेंट ने अभी हाल ही में एक डिजिटल मीडिया लिटरेसी प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम उन्होंने दिया है सत्यमेव जयते। तो ये इनिशिएटिव जो फेक न्यूज़ होती है उसके बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उसे काउंटर करने के लिए ये इनिशिएटिव उनके द्वारा लिया गया है। तो इस प्रोग्राम को वहाँ के स्कूल्स और कॉलेजेस में भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा ताकि लोगों को डिजिटल मीडिया के बारे में पता चले, क्योंकि अभी आजकल लगभग हर घर में फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल होता है परंतु उससे उसकी सिक्योरिटी के बारे में इतनी ज़्यादा अभी अवेयरनेस नहीं है। तो ये उस चीज़ को प्रमोट करेगा। तो सत्यमेव जयते, वैसे आप अगर एक स्टैटिक जीके के अनुसार देखें तो ये एक मंत्र है जिसे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। हमें बताइए कि आपको इसमें क्या चेंजेस चाहिए, आपको कौन सा मटेरियल ज़्यादा इसमें चाहिए, जो भी आप चेंजेस चाहते हैं, जैसे भी आपको लगता है ये चीज़ इसमें होनी चाहिए और ये चीज़ नहीं, तो प्लीज़ हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।